आजकल सभी YouTube के पीछे भरे हैं। क्या है YouTube? नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ्रत शाह, सहाटेक हिंदी में आप सबको स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे YouTube क्या है, YouTube से कैसे पैसा कमाते हैं। गूगल ने स्टार्ट किया था 2006 को। 2006 से लेकर आज तक आज YouTube एक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग साइट है, जहाँ पे लोग वीडियो शेयर करके, अपलोड करके लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। हजारों लोग YouTube को अपना करियर बना चुका है। तो YouTube क्या है, कैसे करते हैं आप लोग, कौन सा वीडियो अपलोड करते हैं? आजकल हम मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, जो भी हो, जब भी हमारे सामने ऑनलाइन कनेक्शन होता है तो हम यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं और घंटों। तो यूट्यूब कैसे पैसा देते हैं, कैसे पैसा देते हैं, किस बेसिस बेस के ऊपर पैसा देते हैं? देखिए, यूट्यूब ना कि सब्सक्राइब के पैसे देते हैं, ना कि व्यू के पैसे देते हैं, ना कि लाइक्स और शेयर के पैसे देते हैं। यूट्यूब सिर्फ पैसा देता है सिर्फ और सिर्फ व्यूज के ऊपर, कहाँ से आपके व्यूअर्स आए हैं, कहाँ से, मतलब किस कंट्री से आए हैं, किस जगह से आए हैं, इसके ऊपर आपका ये रेवेन्यू ठीक होता है। मान लीजिए कि कोई डांस दिखा रहा है, कोई डांस दिखा के जितना पैसा कमाते हैं यूट्यूब से, कोई कुछ सिखा रहा है, जैसे कि कोई मैथ सिखा रहा है तो कोई ड्राइंग सिखा रहा है, कोई तो कोई गाना सिखा रहा है, सब टॉपिक डिफरेंट पैसा होता है, रेवेन्यू होता है, सब एक जैसे नहीं होता। यानी कि मैंने हज़ार व्यू के एक ही डॉलर होगा या दो डॉलर ही होगा, ऐसे कोई मतलब नहीं है। इसका काफ़ी सारा रीज़न है। और व्यूअर, अगर आपको यूएस का व्यूअर मिले, अगर आपके वीडियो यूएस के लोगों को पसंद आए और वो देखे, तो आपको वहाँ से ज़्यादा पैसा मिलता है। इसलिए कि यूट्यूब यूएस यूज़र को, विजिटर को ज़्यादा पैसा देता है। अगर आपके वीडियो में यूएस वाला विजिटर हो, यूएस वाला व्यूअर हो, तो आपको पैसा ज़्यादा मिलता है। और आपके वीडियो में अगर इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ऐसे इस कंट्री से होगा, तो पैसा आपको कम मिलता है। आप सोच सकते हो थोड़ी बहुत कंजूसी है हमारे साथ। हाँ, वो तो है, क्योंकि यूएस के लोगों यूट्यूब से लाखों रुपया कमा रहे हैं, और इससे पैसा बोले तो मैंने इतना पैसा कमा रहा है, वो तो कोई BMW खरीद रहा है, तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ऐसे, मैं उसका नाम आपको बताऊंगा। इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी है, बीबीके वाइंस कहके एक कॉमेडी चैनल है भुवन बाम के, वो भी बहुत ज़्यादा ये कमा रहा है। इस साल उसने एशिया का बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड भी जीता। तो खैर छोड़िए वो सब बाद में, लेकिन ये यूट्यूब, जब हम यूट्यूब में जब हम कोई वीडियो देखते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐड आते हैं, ऐड शो होते हैं, नीचे पॉपअप आते हैं, बहुत सारे ऐड दिखाते हैं, साइड में जब हम साइड सर्च करते हैं, साइड में ऐड दिखाते हैं। तो गूगल उस ऐड देने के लिए जितना पैसा लेता है, वो पैसा जब आपके वीडियो के ऊपर गूगल डालता है, तो उसके हिसाब से हमें कुछ कमीशन हमारे साथ शेयर करते हैं। अगर आपके वीडियो बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा है, 5 मिनट
या 10 मिनट या 15 मिनट, तो उसके हिसाब से आपका जो ऐड है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, 2 या 3 बार आएगा और 4 बार आएगा। अगर आपका एक फिल्म है तो बहुत ज़्यादा बार आएगा, 4, 5 बार, 6 बार भी आ सकता है। लेकिन आपका वीडियो अगर छोटा है तो मत मान लीजिए कि 3 मिनट का है, तो डेफिनेटली आपको ऐड भी एक या दो बार से होगा। तो उस टाइम जो व्यूअर्स है वो जो आपके वीडियो जब देख रहा है, तब उन्होंने देखते टाइम जो ऐड उनको शो किया है, उस व्यूअर्स ने तो वो वाला ऐड देखा, तो व्यूअर्स ने उस ऐड को देख लिया, इसका मतलब गूगल ने वो ऐड किसी को दिखाया, इसके लिए उससे पैसा लेता है और उस पैसे से कुछ बहुत शेयरिंग हमें भी देता है। तो ऐसे करके गूगल हमें पैसा देता है। तो यूट्यूब कैसे करें, हम क्या सिखाएं, क्या करें, देखिए आप कुछ भी करिए लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आप कुछ भी शेयर करिए, कुछ भी अपलोड कीजिए, लेकिन वो आपका जो वीडियो है वो सच्चे दिल से होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। आप मानो कि आप कुछ सिखा रहे हो, सिंगिंग सिखा रहे हो, तो अच्छी तरह से सिखाना पड़ेगा, जो सिखा रहे हो अच्छी तरह से सिखाना, ताकि व्यूअर्स एक बार देखे तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, दोबारा आपके चैनल में आए, आप जो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो अपलोड करोगे वो उसके नोटिफिकेशन उसके पास चला जाए, वो फिर आए, फिर देखे, ऐसे करके आपका व्यूअर्स भी बढ़ेगा, आपका विजिटर भी बढ़ेगा, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेगा, ऐसे करके आपका चैनल रैंकिंग है। ऐसे करके भी एक इंडिया में चैनल है सनमपुरी, तो वो बहुत फेमस हो गया यूट्यूब करके, उसका नाम ही नहीं सुनाई दिया। तो ऐसे करके आप वीडियो दे सकते हैं, लेकिन कुछ ख़राब चीज़ यानी कुछ सेक्सुअल कॉन्टेंट अब देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप में आप क्रिएट वीडियो थंबनेल, जो थंबनेल होता है वीडियो को, वीडियो थंबनेल मतलब हम जब कुछ सर्च करते हैं उसका सर्च करते समय जो चीज़ सर्च कर उस रिलेटेड जो वीडियो आता है उसका जो पिक्चर दिखाता है ना, उसको कहते हैं थंबनेल। वो थंबनेल वीडियो टाइटल, वीडियो का जो टाइटल होता है वो कैसे तैयार करते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन कीवर्ड, कीवर्ड मतलब हम जो देखे कोई कुछ जो लिख कर सर्च करते हैं वो है कीवर्ड। मतलब कि अगर हम सर्च कर रहे हैं सोनू निगम का कोई गाना, तो हम लिखेंगे सोनू निगम टॉप 10 सॉन्ग, जब लिख कर सर्च करेंगे तो वो उस रिलेटेड जो भी वीडियो है वो हमारे सामने आ जाएगा, वो है कीवर्ड। तो वो कैसे आते हैं वो हम सीखेंगे। इसके बाद एट द एंड ऑफ द सेशन हम सीखेंगे सोशल मीडिया पे हम शेयर कैसे करेंगे, जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं देखो कौन जानेगा कि भाई हमने शेयर किया है। हम तो ऐसे तो नहीं छोड़े कि हम घर घर के जाके हम ये बताएंगे भाई हमने यूट्यूब में वीडियो शेयर किया है, वीडियो डाला है, आप प्लीज़ अब देख लो, सब्सक्राइब कर लो, ऐसा तो नहीं। तो हम कैसे सबसे जुड़े रहें और सबके पास पहुँचे, इसलिए हमें सोशल मीडिया पे शेयर करना है। कैसे शेयर करना है इसका भी ट्रिक है, ये हम सीखेंगे धीरे धीरे अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।